इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर जब सबके घर से आवाज़ें आती हैं बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। मेरे साथ खुद सलमान खान है यहाँ पे, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि इस बार का थीम है सेलिब्रिटी एक्सप्रेस। तो सिर्फ सेलिब्रिटीज ही क्यों हैं, कोई खास वजह? ये आई थिंक बड़े ही रिसर्च के बाद कलर्स वालों ने डिसाइड किया कि इस बार सिर्फ सेलिब्रिटीज ही जाएंगे घर के अंदर। और इसका जवाब मैंने उनसे पूछा, ये सवाल पूछा सेलिब्रिटी से क्यों, उन्होंने मुझे बताया नहीं। तो अगर आपको इसका जवाब जानना है तो आपको कलर्स वालों से ही पूछना पड़ेगा यह सवाल, क्योंकि मुझे ये कुछ बताते हैं नहीं। और पर्सनली आप मिस करेंगे कॉमनर्स को? नहीं, पर्सनली तो मुझे अच्छे लगते हैं, सभी अच्छे लगते हैं मुझे। लेकिन अब इनके रिसर्च टीम ने क्या रिसर्च किया है, सही किया है गलत किया है, वो शो स्टार्ट होने के बाद ही पता चलेगा हमको। और फिर वो डिसाइड करेंगे बाद में, क्योंकि फॉर्मेट तो इनका है। ये फॉर्मेट में कभी भी सरप्राइज ला के ट्विस्ट ला के किसी को भी घुसेड़ सकते हैं अंदर। डेंजरस फॉर्मेट है ये। और सेलिब्रिटी एक्सप्रेस मतलब बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, चार हफ्तों में ही? ना, ये गलत बात है। चार हफ्तों में एक फिनाले आएगा। वो फिनाले इसलिए आएगा क्योंकि जो फर्स्ट दो हफ्ते होते हैं बिग बॉस के, ज़्यादातर हमने ये नोटिस किया है कि अगर कंटेस्टेंट्स इतने मज़ेदार नहीं हैं तो वो थोड़ा सा टाइम लगता है वो शो को पिकअप होने में। तो इसलिए अब वो फिनाले एक आएगा चार हफ्तों में। इसका मतलब ये है कि सब अपने टोज पे रहेंगे और सब एकदम डे वन से गेम खेलेंगे। हर सीज़न में कोई ना कोई आपका फेवरेट कंटेस्टेंट तो बन ही जाता होगा, लेकिन उसको शो ना करना और न्यूट्रल रहना, ये कैसे आप करते हैं? सभी मेरे लिए एक ही हैं। हाँ, कोई मुझे कुछ लोग अच्छे लगते हैं, कुछ लोग मुझे पका भी देते हैं, बट आई हैव टू डू माय जॉब एंड आई कुड बी फेयर विद एवरीवन। ये शो आपको मेंटली इमोशनली कितना परेशान करता है? मुझे नहीं, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं होती। तो आई वॉच इट एंड देन आई रियलाइज कि अब यहाँ पर मुझे घुसना है, यहाँ पर नहीं घुसना है। तो उस हिसाब से, कंटेस्टेंट्स के हिसाब से, आई माई सेल्फ रिएक्ट टू जो रिएक्शन ही होगा ना मेरा, वो जो करेंगे, वो जो एक्शंस करेंगे उसके ऊपर से मुझे रिएक्शन देना पड़ता है, तो वही मैं करता हूँ। उनके एक्शन रिएक्शन से आप काफ़ी कुछ आप भी सीखते होंगे? जी 1000%, बहुत सीखता हूँ उनसे, बहुत सीखता हूँ। और ये मेरी सीखने की उम्र है। Thank you so much. It was lovely talking to you. Thank you.